होने वाली है और ये स्वीट है। इसमें जैगरी है, गेहूं का आटा है और घी और ड्राई फ्रूट्स, बस और कुछ नहीं। तो चले बनाए गेहूं के आटे की बर्फी। चलो ओके, तो स्टार्ट करें गेहूं के आटे की बर्फी। इसके लिए क्या क्या लगेगा? तो इसके लिए लगेगा हमें, मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप मैंने लिया है प्योर घी, जो मैंने घर पे बनाया हुआ मेरा घी है वो है, और वही है 1/2 कप जैगरी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, यानी मेरे पास आलमंड्स अवेलेबल थे, बादाम, वो मैंने यूज किए, आप कोई भी डाल सकते हो। पॉपी सीड्स ऑप्शन है, पॉपी सीड्स और क्रीम ये ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो आप डालो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन चीजों से हो सकता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ। ओके, पर और मेरे पास सिर्फ ग्रीन इलायची पाउडर नहीं है, जो मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आपके यहाँ पे अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो तो अभी मैं फर्स्ट क्या डाल रही हूँ, थोड़ा सा घी, मैंने 1/2 कप लिया है, पर मैं थोड़ा सा बचा के रख रही हूँ, बाद में शायद लगेगा तो। ओके, जैसे आपका घी गरम हो गया फिर उसमें डालना है आटा। मैंने 1 कप आटा लिया है और 1/2 कप घी लिया है, और इसको क्या करना है, अच्छी तरह से सौते करना है, यानी आटे का कलर जो है वो ब्राउन आना चाहिए। ठीक है, देखा, इस तरह से इसको सौते करना है, और ये जल्दी नहीं होता, एटलीस्ट 15-20 मिनट तो लगते हैं गेहूं के आटे को अच्छी तरह से सौते होने में, क्योंकि इसका कलर थोड़ा ब्राउन होना चाहिए, अभी तक उसका कलर ब्राउन नहीं हुआ है, और उसको आपको अच्छी तरह से बार बार उसको आटे को सौते करना है, ऐसे नहीं रुक गए और फिर ऐसे ही रखा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो नीचे जल जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस थोड़ा सा जो बचा हुआ घी है वो थोड़ा डाल रही हूँ। आप एक साथ भी डाल सकते हो, पर मैं कभी भी थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ। अभी और उसको 5-10 मिनट्स के लिए सौते करना है। ओके, देखो देखा, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। अभी इस वक्त आप इसमें कोकोनट डाल सकते हैं, यानी जो नारियल रहता है, सूखा नारियल नहीं, गीला नारियल, वो थोड़ा सा आप इसमें डाल सकते हो, 2 टेबलस्पून अगर डालना है तो। ओके, डालना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ लोग डालते हैं इसमें। देखो अभी इस तरह से ये होने को आया, लेकिन थोड़ा टाइम। अब मैं इसमें 1 और 2 टेबलस्पून क्रीम डाल दूं। क्रीम ये ऑप्शन है आपको अगर डालना है तो, क्योंकि क्रीम डालने से क्या होता है, थोड़ा जो आटा है, देखो कैसे ऊपर आ गया, ओके, फूल जाता है, इसलिए मैंने क्रीम डाला है। अगर आपको डालना है, आपके पास अवेलेबल है तो ही, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इस तरह से ये ब्राउन करना है, और ये जो हम लोगों ने ब्राउन किया है वो स्लो, यानी मीडियम फायर पे, फायर इसका फास्ट नहीं चाहिए। ठीक है, लास्ट उसी मीडियम फायर पे ही आपको करना है। अभी मैं ये नीचे कढ़ाई को उतार दूंगी। अभी मैंने इसको नीचे उतारा है, लेकिन इसमें अभी जैगरी जट से नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत गर्म है, अगर जैगरी अभी डालोगे तो क्या होगा, वो जो हमारी बर्फी है वो हार्ड हो जाएगी, बहुत कड़क हो जाएगी, इसको थोड़ा ठंडा करना है, एकदम ठंडा नहीं,
हल्का ठंडा करना है, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम करना है। ओके, और उसको क्या करना है, तब तक उसको ऐसे ही बीच बीच में उसको हिलाते रहना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। डायरेक्ट आप इसमें जैगरी नहीं डालोगे, और इलायची पाउडर आपको डालना है तो अभी आप डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है, पर इसमें इलायची पाउडर डालना जरूरी है ताकि खुशबू अच्छी आती है। मैंने अभी ये प्लेट ली है, जो हमारा बचा हुआ थोड़ा सा घी था वो मैं इसको लगा रही हूँ ताकि ये जो हमारा हलवा है अपना बर्फी, गेहूं के आटे की बर्फी जो है वो हम लोग इसमें बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको पहले थोड़ा सा घी लगा के रखना है। अभी तक मैंने इसमें जैगरी नहीं डाला है, देखो मैंने क्रीम डाला, इसके वजह से दाने दाने निकल आए हैं, और अगर आप कोकोनट भी डाल सकते हो इसमें। अभी थोड़ा और उसको हल्का सा वार्म करना है और बाद में हम लोग जैगरी डालेंगे। अभी आप अगर तुरंत गरम गरम इसमें जैगरी डालोगे तो क्या होगा, वो जो बर्फी है वो कड़क हो जाएगी, इसलिए उसे थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद हम लोग इसमें जैगरी डालेंगे। अभी हम इसमें क्या डालेंगे, जैगरी। अगर आपको ज्यादा पसंद है, मीठा ज्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हो। और जैगरी को क्या करना है, ज्यादा ठंडा होने के बाद नहीं यहाँ डालना है, इसको थोड़ा गर्म ही चाहिए, पर ज्यादा गर्म भी नहीं चाहिए क्योंकि जैगरी इसमें मेल्ट होना चाहिए। अगर आप ठंडा करेंगे तो जैगरी मेल्ट नहीं होगी, ठीक है। देखो अभी इसमें ये जैगरी मेल्ट हो रही है। अभी मैंने इस तरह से इस पे प्लेट को निकाला है, अभी मैं इसको क्या करूंगी, अच्छी तरह से स्प्रेड करूंगी, इस तरह से इसको स्प्रेड कर अच्छी तरह से। ओके, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पॉपी सीड्स डाल रही हूँ, ऑप्शन है, मुझे पसंद है इसलिए डाल रही हूँ, आपके पास नहीं है आप मत डालो। ओके, थोड़ा सा पॉपी सीड्स और आलमंड्स, और ये जब गर्म है ना तभी इसके पीसेस निकालने नहीं है, पीसेस इसके हमें बना के रखने हैं, क्योंकि ये जब ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब हम पीसेस बनाने जाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए इसके पीसेस अभी हमको ऐसे इस तरह से बना के रखने, निकालने नहीं है। निकालने कब है, जब ठंडा हो जाएगा तब भी निकालने हैं। इस तरह से इसको बनाना है और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालना है। ओके, मैं अभी ये जो आलमंड्स है, एक का मैंने दो पीसेस किए हैं, देखो इस तरह से। ओके, तो मैं ऐसे लगा रही हूँ, अगर आपको चॉप करके लगाना है आप चॉप करके लगा सकते हो कैसे भी। ओके, देखा इस तरह से जो हमने पहले वो किया है वैसे ही है, सिर्फ मैं थोड़ा सा उसको वापिस सेक कर रही हूँ। देखा इस तरह से हमने किए है, और अभी हम मैं इसको इस प्लेट में प्रेजेंटेशन के लिए निकाल रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये ठंडा होने के बाद ही निकालने हैं, पहले नहीं। ये हो गए हमारे गेहूं के आटे की बर्फी, उसको ठंडा होने के बाद ही निकालना है, गरम गरम नहीं, लेकिन गरम जब रहेगी तभी उसको पीसेस में काट के रखना है और ठंडा होने के बाद उसको निकालना है, ठीक है। देखा कैसे हम लोगों ने बर्फी बनाई, आसान है, लेकिन मेरा और एक कहना यह है कि मैंने उसमें 2 टेबलस्पून क्रीम डाला, जरूरी नहीं कि आप क्रीम डालो, आप दूध भी डाल सकते हो 2 टेबलस्पून, अगर नहीं डाला तो भी चलेगा। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं थी, ग्रीन कार्डमम पाउडर, इसलिए मैंने वो नहीं डाली, लेकिन आपके पास है तो आप एटलीस्ट 1 टीस्पून आप उसमें इलायची पाउडर आपको डालनी है, और इजी है इसको, जैसे आपने बनाया आपका बर्फी तैयार हो गया, जो बर्फी का ये जो हम लोगों ने बर्फी बनाई है वो कढ़ाई से निकाल के वो कढ़ाई में रखनी है, बाद में थोड़ा उसको ठंडा नहीं करना है, हल्का सा जो गर्म हुआ है उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन करना है, नीचे आने देना है, उसके बाद उसमें आप ग्रेट किया हुआ जैगरी डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ओके, जैसे आपका जैगरी मेल्ट हो गया आपको प्लेट लेनी है, घी लगाना है उसको प्लेट को, और फिर आपको जो बर्फी है उस पर डालनी है और उसको स्प्रेड करना है।
फिर आपको नाइफ से उसके पीसेस करने, लेकिन पीसेस नहीं निकालने, ऐसे पीसेस करके रखने हैं, वो ठंडे होने के बाद आपको निकालने हैं, क्योंकि अगर पीसेस हम लोगों ने करके नहीं रखे तो जब करने जाओगे ठंडा होने के बाद तो वो बर्फी के टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप उसको प्लेट में स्प्रेड करोगे उसी वक्त आप उसके पीसेस निकालोगे, और जब वो ठंडे हो जाएंगे तो जो पीसेस किए हुए हैं उसको बाहर निकाल के प्रेजेंटेशन प्लेट में रख दोगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी सब लोग प्रैक्टिस करेंगे।